आज 28 मई 2019 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। ज्येष्ठ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। नवमी तिथि है दोपहर 1:31 तक और उसके बाद दशमी तिथि है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है शाम 6:58 तक और उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कुंभ राशि में और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे दोपहर 12:43 पर। आज भद्रा है देर रात 2:30 से और आज सगाई का शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:31 से रात 10:31 तक। मेष राशि वालों के मन में पैसे की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत सारी इच्छाएं हैं, पर पैसे के फंस जाने की भी चिंता है। सपने तो बड़े हैं पर वो कैसे पूरे होंगे ये बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए मन कुछ बुझा सा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी हर कोशिश नाकाम होती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? अपने काम की ओर ध्यान देना होगा और काम के प्रति अपनी लगन बनाए रखनी होगी, क्योंकि आपका भाग्य उसी समर्पण से खुलेगा। अपने मन में व्यर्थ की चिंताओं को बनाते चले जाने से भी बचना होगा। हालात भाग्यशाली जरूर हैं पर हालात बेहतर होने के लिए कुछ वक्त लग सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए काम या कारोबार से जो भी लाभ बन रहा है उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ये भी शायद एक कारण है कि आपको अपनी मुश्किलें बहुत बढ़ी हुई नजर आ रही, पर बार बार उभरती हुई मुश्किलें हैं जिन्हें संभाले रखने की कोशिश तो फिर भी करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह का खतरा मोल लेने से बचना होगा और कामकाज के प्रति अपनी लगन और अपनी तवज्जो बनाए रखनी होगी। मुश्किल समय के साथ जुड़ा हुआ यही इशारा है कि अपनी गलतियों से बचा जा सके और हालात संभले रहे। अपने ऐशो आराम के खर्चों को बढ़ाते चले जाने से भी बचना होगा आपको। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि हालात के भरोसे चलने से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और अच्छी भली स्थिति भी कठिनाइयों में पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि लोग ऐसा ही सोचें जैसा आप सोच रहे हैं, इसलिए भी अपने हालात का सही आंकलन करना बहुत ज़रूरी हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों के प्रति भरोसा बनाए रखें ताकि आपसी ताल्लुकात संभले रहें। घर परिवार के रिश्तों को भी विनम्रता से संभाल लें, रिश्ते ही दूर तक आपका साथ निभाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? किसी यात्रा या बदलाव के विचार को लेकर कोई गलती ना करें। अपने खर्चों को भी इतना ना बढ़ा लें कि उसका बुरा असर आपकी ज़िंदगी की और चीज़ों पर पड़ता चला जाए। कर्क राशि वालों का मन परेशान है और इसी वजह से कोई ना कोई बात जैसे बिगड़ती चली जा रही, पर मन इसलिए परेशान है क्योंकि आपने अपनी नकारात्मकता को बढ़ा रखा है जिसकी कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं। क्या करना चाहिए समय में? चिंताएं लगाते चले जाने से मुश्किलें पैदा होती हैं और कोई भी छोटी बात बिगड़ सकती है। कामकाज के क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ जाएं तो उसका बुरा असर ज़िंदगी की कई और चीज़ों पर पड़ सकता है, इसलिए अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपनी पढ़ाई या तैयारी से मन हटा लेना ठीक नहीं, ऐसा करने से अपने भविष्य को बनाने में देरी हो सकती है, इसलिए इन कमियों को समझें ताकि कोई गलती ना हो जाए। सिंह राशि वाले रिश्तों की अच्छाई को अब समझ पा रहे हैं और अपनों के करीब आना चाह रहे हैं, फिर भी कुछ अजीब सा उतार चढ़ाव है जो आपको अपने विचारों को बदलते चले जाने के लिए मजबूर करता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समूह? अपनी सूझबूझ इस रूप से बनानी होगी कि लोग आपकी अच्छाई को समझ सकें। आपकी व्यवहारिकता इस रूप से बनी रहे कि आप अपनी प्राथमिकताओं की ओर भी देख सकें। इसी तालमेल से ज़िंदगी का रास्ता बनता चला जाए, यही ज़रूरी है। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति में किसी भी वजह से गलतियां ना निकालें और अपने से वरिष्ठ लोगों के विचारों से परेशान भी ना हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि उनकी आलोचना से आपको कोई नुकसान ही पहुंचे। कन्या राशि वालों के अगर पैसे से जुड़े हालात कमज़ोर पड़ जाएंगे तो घर परिवार की स्थिति को संभाले रखने में मुश्किलें पैदा होंगी, इसलिए अपने फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे, पर किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से बचना होगा जो आपकी अच्छी भली स्थिति को कहीं हिला ना दे। क्या करना चाहिए समय में? निजी जीवन की खुशियां बनाए रखना इस समय की प्राथमिकता होगी और ऐसा करते हुए अपने मन में बिठाई हुई भ्रांतियों को हटा देना होगा, तब जाकर आप उस अच्छाई को समझ पाएंगे जो आपके लिए भरपूर बनी हुई। क्या ना करें इस समय में? फिलहाल तकदीर को आजमाने की कोशिश न करें और इस वजह से अपने पैसे को या अपनी बचत को कहीं फंसाते भी ना चले जाएं। कामकाज से जुड़ी चुनौतियों की वजह से भी आप पैसे से जुड़ा कोई गलत फैसला न कर जाएं। तुला राशि वाले ये समझ लें कि कोई पढ़ाई हो या कोई साक्षात्कार हो, आपको नियमित रूप से मेहनत करनी होगी और किसी अच्छे विकल्प के बारे में सोचना होगा, क्योंकि मेहनत करने से ही आपकी उपलब्धियों के द्वार खुलेंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए लोगों की अच्छी सलाह ली जा सकती है और किसी भी तरह के मतभेद से बचने के लिए विचार विमर्श किया जा सकता है। हर आगे बढ़ता हुआ छोटा कदम आपकी अच्छाई को उभार सकता है। क्या ना करें इस समय में? ज़िंदगी की चुनौतियां किसी भी वजह से बन सकती हैं, पर लोगों से दूरियां बनाते चले जाना ठीक नहीं, इसलिए किसी छोटी बात को लेकर किसी को भी नाराज़ बिल्कुल ना करें।
वृश्चिक राशि वालों की कोशिशें आपको बड़ा लाभ दें ऐसा हो सकता है, पर तकदीर को आजमाने के प्रयास में भी आप कोई योजना बनाना चाह रहे हैं और पैसे से जुड़े हालात भाग्यशाली रूप से आपके लिए बेहतर होते चले जाएं, ऐसा भी बहुत हद तक संभव है। क्या करना चाहिए समय? जिस भी प्रयास को करें उसमें भरोसा बनाए रखें। मन में शक पैदा करने से कुछ भी हासिल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपनी मेहनत में उस भरोसे को भी जोड़ दें जो आपको बड़ी सफलता दे सकता है। धनु राशि वाले जिंदगी में कुछ हटकर करना चाह रहे हैं जो आपके अपनों की मदद करे, पर कुछ मजबूरियों की वजह से आप वो सब कुछ कर नहीं पा रहे जिसकी मन में इच्छा बहुत है। शायद इन सपनों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा और वक्त लग जाए। क्या करना चाहिए समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी लगन को बनाए रखें। नियमित बने रहने से कई तरह की चुनौतियों को संभाले रखना आसान हो जाएगा, लेकिन फासलों को नज़दीकियों में फिर भी बदलना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? कामकाज की अच्छी भली स्थिति को किसी भी वजह से कमजोर ना पड़ने दें। मकर राशि वाले अपना भरोसा बनाए रखें और आप देखेंगे कि आपकी मेहनत आपको बड़ा फल दे रही है। लोगों से तालमेल भी बना रहेगा और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, पर अपनी गलतियों को तो फिर भी सुधारना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय? किसी भी गलतफहमी की वजह से अपना नुकसान करते चले जाने से बचना होगा। आप वैसे भी अपनी बचत को खतरे में डालते चले जा रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ पैसे के बलबूते पर फैसले करना चाह रहे हैं और इस समय इसी चीज़ से बचकर निकल जाने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी मुश्किलों को समझने में कोई गलती ना करें क्योंकि आपके व्यवहार की वजह से किसी अच्छे भले रिश्ते में दरार पड़ जाए तो फिर वो ठीक नहीं होगा। कुंभ राशि वालों के सामने कामकाज को लेकर कोई अच्छा विकल्प है और आप फैसला करने में देर करते चले जा रहे हैं। फैसला करके आप अपने कदम पीछे हटा लें यह भी बहुत हद तक संभव है। क्या करना चाहिए समय? हर चीज़ से जुड़ी कमियां और अच्छाइयों को समझना बहुत ज़रूरी होगा और हर चीज़ में गलती निकालने से भी बचना होगा। अपने फैसलों में गलती होती चली जाए तो वैसे ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्या ना करें इस समय में? रोज़मर्रा के मुद्दों का बुरा असर अपने घर परिवार के रिश्तों पर बिल्कुल ना पड़ने दें। अगर आप किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो अच्छी बात, पर उसमें भी छुपी हुई चुनौतियों को नज़रअंदाज ना करें। मीन राशि वालों के कामकाज की स्थिति ठीक है, पर लोगों की आलोचना सहनी पड़ सकती है और इस वजह से आपका मन दुखी होता चला जाए ऐसा हो सकता है। किसी प्यार के रिश्ते में भी दूरियां बनती हुई नजर आ रही हैं। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से लाभ बना हुआ है, पर लाभ को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने मन में बढ़ती हुई उत्तेजना को थामना होगा। इस समय यही ज़रूरी है। क्या ना करें इस समय में? ज़िंदगी में अचानक बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए धैर्य बनाए रखना होगा। जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका बुरा असर आपके कामकाज पर या काम से जुड़े लाभ पर पड़े। लोगों की बातों में आकर कोई ऐसा विचार ना बनाएं जो आपकी मुश्किलों को व्यर्थ में बढ़ाता चला जाए।